हमारे बीच में डॉक्टर रतन लाल जी हैं, और आइए हम उसे जानकारी लेते हैं कि सर ये जो अभी बजट पेश करा है उस बजट से आप लोग इतने परेशान हैं कि आप धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। नहीं, सबसे पहले आपके पहले सवाल का जवाब देना चाहता हूँ जी कि टीचर लोग को क्लासरूम में होना चाहिए जी, तो टीचर लोग को खाना नहीं खाना चाहिए, टीचर लोग को जो है शादी नहीं करना चाहिए, टीचर लोग को मकान, तो क्या टीचर को क्या करना चाहिए पहले ये बताइए। दूसरी बात जो है, टीचर को सिर्फ क्लासरूम में नहीं रहना चाहिए, पढ़ानी हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन शिक्षक वही है जो समाज, देश, राजनीति में जो घटनाएं हो रही है उसकी समीक्षा करे, उसकी आलोचनात्मक टिप्पणी करे। ये सरकार जो है ये दंड, पहली बार दंडीमार सरकार रही है। एक बात बताइए, आप जब से यूनिवर्सिटी का डेमोक्रेटाइजेशन शुरू हुआ, धीरे धीरे लोग आना शुरू हुए हैं, कम से कम वंचित जमात के लोग, SC ST OBC और इस तरह के लोग जब पढ़ाने में भी आना शुरू हुए हैं, तब धीरे धीरे हायर एजुकेशन से आप अपनी फंडिंग खींच रहे हैं। तो ये सरकार आरक्षण विरोधी सरकार भी है। आप देखिए, दुनिया भर में आलतू फालतू के बजट में प्रधानमंत्री जो है बढ़ा रहे हैं, और इनके अपने जो खर्चे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन शिक्षा पे, शिक्षा तो बुनियादी अधिकार है लोगों का, आपने प्राइमरी एजुकेशन को मार दिया। सरकारी स्कूल की जो हालत है वो जो है सब जानते हैं। दूसरा, कुछ विश्वविद्यालय जो क्वालिटी प्रोडक्शन कर रहे हैं वहाँ भी धीरे धीरे आप जो है आप विड्रॉ कर रहे हैं। इसका मतलब सीधा है कि आप इसको प्राइवेटाइजेशन की ओर ले जा रहे हैं, और प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि वहाँ जो हमारा वंचित जमात है, जो SC ST OBC जो लोग हैं, उनको वहाँ अधिकार नहीं मिलेगा, अवसर नहीं मिलेगा। तो सीधा सीधा जो है ना, ये मोदी सरकार जो है ना, ये जनऊ और पूंजीवाद का गठबंधन सरकार है, जनऊ और पूंजी दोनों का गठबंधन है, और चाहती है कि दिल्ली विश्वविद्यालय, JNU जैसे, ये इतनी शिक्षा विरोधी है, इनके मूल में पढ़ना लिखना नहीं है जी। इनके मूल में सिर्फ जो है ना गाय गोबर और तमाम जो है गोमूत्र ही है। तो ये शिक्षा विरोधी भी है, ये जन विरोधी भी सरकार है। और जिस तरीके का रिकमेंडेशन आया है, सर्विस कंडीशन आया है कि MPhil PhD का इंक्रीमेंट नहीं देंगे, 30% रिसोर्स आपको खुद जनरेट करने, तो एक बार बताइए कॉलेज और विश्वविद्यालय 30% रिसोर्स कैसे जनरेट करेगा, जरा ये बताइए। क्या कॉलेज को किराए पे लगाएगा, क्या सामने पकौड़े के दुकान खोलेगा, कैसे जनरेट करेगा? तो ये एकदम हास्यास्पद है, और इसके खिलाफ में बड़ी संख्या में शिक्षक, छात्र, सब लोग उतर रहे हैं कि ये बेसिकली आप उनके जो मौलिक जो शिक्षा, स्वास्थ्य, दो चीज तो बुनियादी जरूरत है, उसी की जब आप हत्या कर देंगे तो बचा क्या फिर? सर, बजट के अंदर अपने माननीय प्रधानमंत्री जी की अपनी तनख्वाह बढ़ा ली है, और राष्ट्रपति जी की बढ़ गई, उपराष्ट्रपति जी ने अपनी बढ़ा ली, जबकि इनको सारे जो बेनिफिट है गवर्नमेंट देती है, उसके बाद में ये तनख्वाह, इतनी मोटी मोटी तनख्वाह ले, तो इनका क्या एक जन प्रतिनिधियों का अपना एक अलग तरह का हिसाब किताब खर्चा होता है, वो हम जानते हैं। तो उनसे मुझे कोई आपत्ति नहीं कि आपने बढ़ाया, लेकिन सिर्फ जिस देश में सांसद और विधायक ही तो नहीं रहते हैं, महंगाई की मार तो यहाँ के मजदूर किसान भी झेलते हैं, हम भी झेलते हैं, सब झेलते हैं। तो जिस अनुपात में आपने बढ़ाया, उसी अनुपात में और लोग जो हैं जो काम करते हैं उसका भी तो बढ़ना चाहिए, लेकिन हमें क्या मिला? काम करने वाले को ना इनकम टैक्स में रियायत दिया आपने, ना कोई सब्सटेंशियल जो इंक्रीज हुआ। तो हमारे जैसे लोग 35,000 रुपया इनकम टैक्स महीने का दे रहे हैं। सर, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भाई व्यवसाय आप अपने तरह तरीके से कर सकते हैं, आप पकौड़ी बेच सकते हैं। हाँ, तो पकौड़ी, इसलिए मैंने कहा पहली बार डंडी मार सरकार। भारत में गुजरात से दो बड़े नाम हुए हैं, एक महात्मा गांधी हुए हैं जिन्होंने ये कहा था कि मैं जिंदगी भर झूठ नहीं बोलूंगा किसी कीमत पर, और एक मोदी हुए हैं जिन्होंने कहा किसी शर्त में मैं सच नहीं बोलूंगा। दो ही गुजरात से दो महान लोग हुए हैं, गांधी जी हुए हैं जिन्होंने कहा कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, अब मोदी जी ने कहा मैं कभी सच नहीं बोलूंगा। तो जो सबका साथ सबका विकास, 2 करोड़ रोजगार, पता नहीं सोने की चिड़िया उड़ जाएगी, 1 के बदले 10 सिर ले आएंगे तमाम, और इन्हीं के लोग, अडानी को भी 20,000 करोड़ का ठेका पाकिस्तान में मिला है। तो ये समझने की बात है कि जिस तरह का व्यवसाय, कभी पकौड़े बेचते हैं, कभी चाय बेचते हैं, पता नहीं जिस स्टेशन पर चाय बेचते थे वो स्टेशन ही बाद में बना है जी, जी जी। तो जब देश का प्रधानमंत्री लगातार झूठ बोलने का एकदम एक्सपर्ट हो, तो उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? सर, जैसे कहा जाता है कि जुमले जुमले वाले मोदी हैं, जुमला सरकार है, आज इस बजट के अंदर भी जुमला दिखा दिया। दिखाया नहीं, आपको मिला कुछ इसमें? तो जुमला तो है ही, और पहली बार ऐसा होगा, इतना खराब घटिया बजट, इतना घटिया पे कमीशन, और मास्टर लोगों कहते हैं कि मास्टर लोग कहते हैं नहीं, मास्टर को क्लास में रहना चाहिए, तो बाकी सब को कहाँ रहना चाहिए? मजदूर को जो है फैक्ट्री में काम करना चाहिए, किसान को खेत में काम करना चाहिए, उसको भूख प्यास नहीं लगता है ना?
नहीं लगता है। तो ये जो पूरा रूलिंग एलीट का जो पूरा साजिश है, सबको चाहिए, जितना आईएएस ऑफिसर है ना इधर, जितना मिनिस्टर बैठा हुआ है, एडमिशन का टाइम आइए बताते हैं, सबको चाहिए बढ़िया टीचर, चाहिए बढ़िया पढ़ाने वाला टीचर, लेकिन टीचर को भूख नहीं लगता है। उसके बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, मेरे बच्चे फ्री में पढ़ते हैं, मुझे घर का किराया नहीं लगता है, बिजली का बिल नहीं देना पड़ता है। तो ये समझिए, ये हिपोक्रेसी है, इसको दूर कीजिए। हम भी इसी समाज के पार्ट हैं, जो मौलिक ज़रूरतें किसी और की हो सकती हैं, वो ज़रूरतें हमारी भी है, और हमें भी उसके लिए। टीचर को किताब खरीदने पे कोई रियायत है क्या? आप कह रहे हैं, चलिए मैं उसी पे बात करता हूँ। जो हमारा स्टेशनरी खरीदते हैं, जो किताब खरीदते हैं, जो फोटोकॉपी खरीदते हैं, इस पर कोई इनकम टैक्स रिबेट है क्या? तो ये तो लगातार इनके जिन में ही है कि शिक्षा का विरोध करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे विश्वविद्यालय में लोग पढ़ेंगे, और ख़ास तौर से पिछले 15-20 वर्षों में जो दलित, पिछड़ा, मुसलमान, आदिवासी, तमाम तरह के लोग जो विश्वविद्यालय में आ रहे हैं, तो विश्वविद्यालय में आकर ही सवाल खड़े कर रहे हैं इनके ऊपर। तो इनको सबसे ज़्यादा जो जनों को टेंशन हो रहा है, वो सवाल खड़े करने से हो रहा है। तो इसीलिए ये साथ धीरे धीरे, जिस तरह से प्राइमरी एजुकेशन में हुआ कि आपने स्लेट छीन लिया, प्लेट पकड़ा दिया, उसी तरीके से आप इसको उसी तरह से कन्वर्ट करके छोड़ देंगे विश्वविद्यालय को। धन्यवाद सर, हमारे बीच में